स्कॉटलैंड में आतंकवादी निज्जर के समर्थकों ने भारतीय राजनयिक को रोक दिया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी स्कॉटलैंड गए थे और वहां एक गुरुद्वारे में उन्हें जाना था, लेकिन खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें कार से नहीं उतरने दिया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचे थे भारतीय उच्चायुक्त दोराईस्वामी, लेकिन कार से उन्हें उतरने नहीं दिया गया जबरन। और ये स्कॉटलैंड आतंकी निज्जर के समर्थकों ने भारतीय राजनयिक को रोका। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी स्कॉटलैंड गए थे, वहां एक गुरुद्वारा में उन्हें जाना था, लेकिन खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें कार से उतरने नहीं दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचे थे भारतीय उच्चायुक्त, लेकिन खालिस्तानी समर्थक वहां पर पहुंच गए जो सपोर्टर्स थे, और उन्होंने भारतीय राजनयिक को कार से नहीं उतरने दिया। देखिए जरा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जबरदस्ती। ये खालिस्तानियों का उत्पात। कनाडा, ब्रिटेन और कुछ और यूरोपीय कंट्रीज में जिस तरह से खालिस्तानी सपोर्टर्स। चलिए इस खबर पर और अपडेट हासिल करते हैं। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से खालिस्तानी उत्पात मचा रहे हैं, एक और उसी की वानगी है, तस्वीरें सामने आ गई हैं स्कॉटलैंड से, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भारत के जो उच्चायुक्त है यूनाइटेड किंगडम में विक्रम दोराईस्वामी, उन्हें लंगर के लिए आमंत्रित किया गया था। वो एडिनबरा में थे तो ग्लासगो के इस गुरुद्वारे में उनको आमंत्रित किया गया था, और जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पहुंची तो कुछ उपद्रवी तत्व, केवल दो चार ये वहां नारेबाजी करने लगे और उनको गाड़ी से उतरने से रोकने का इन्होंने प्रयास किया। तब सुरक्षा जो हमारे उच्चायुक्त की सुरक्षा है, उन्होंने देखा और निर्णय किया कि उनका उतरना वहां सुरक्षित नहीं है और वो गाड़ी वहां से ले गए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुरु का लंगर जो सबके लिए खुला होता है, भगवान गुरुओं की वाणी को और गुरुओं के आदेश को ये खालिस्तानी उपद्रवी नहीं मान रहे, और उन्होंने भारत के उच्चायुक्त को वहां नहीं आने दिया। यही दिखाता है कि ये गुरुओं के दिखाए मार्ग पर तो है ही नहीं, ये कोरी उपद्रवी राजनीति कर रहे हैं जो खालिस्तानी युवा है वहां पर। इसको किस तरह से लिया गया है वहां, अगर स्कॉटलैंड की तरफ से क्या कोई रिएक्शन, ब्रिटेन की तरफ से कोई रिएक्शन, या इसको अगर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या संज्ञान लिया गया? गौरव, अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया तो ना इंग्लैंड की सरकार से आई है और ना भारतीय विदेश मंत्रालय से, लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय अमेरिका में हैं और लगातार अपनी बातचीत में वो इस बात को आशुतोष उठा भी रहे हैं कि किस तरह से ये जो खालिस्तानी उपद्रवी हैं, चाहे वो कनाडा की बात हो या कुछ अन्य देशों की बात हो, ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कतई नहीं है। आशुतोष, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस तरह की चीजें केवल कनाडा में नहीं हो रही है या इंग्लैंड में नहीं, खबरें इस तरह की भी हैं कि इटली में भी गुरुद्वारों पर कंट्रोल के लिए खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गुरुद्वारों पर कंट्रोल कर ले, क्योंकि गुरुद्वारों में पैसा बहुत ज्यादा है और उसी पैसे को ये राजनीतिक दलों को भी देते हैं और अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। गौरव, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तफसील से जानकारी अपडेट दर्शकों के बीच रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।